Hi everyone, this is Nikita Vaidya, and in this video we are going to do a question on decision making, right? Relevant cost and all. Color Paints is a manufacturer of industrial dyes. It has received an order for 200 kgs of powder dye that needs to be customized to certain specifications. ठीक है, Color Paint क्या है? Manufacturer है industrial dyes का. It has received an order for 200 kgs of powder dye that needs to be customized to certain specifications. राइट, द जॉब वुड रिक्वायर द फॉलोइंग मटेरियल. ये जो जॉब है 200 केजीस ऑफ पाउडर डाई, उसको जो मटेरियल लगेंगे वो गिवन है ए बी सी और डी. ए की 2000 यूनिट्स लगेगी. यूनिट्स इन्वेंट्री में एक भी नहीं है. बुक वैल्यू नहीं, रियलाइजेबल वैल्यू नहीं, रिप्लेसेबल कॉस्ट है ₹8 पर यूनिट. राइट, बी की 3000 यूनिट्स है. 1200 ऑलरेडी इन्वेंट्री में है. बुक वैल्यू 7 है, रियलाइजेबल वैल्यू 8 है और रिप्लेसमेंट कॉस्ट है ₹10 पर यूनिट. फिर सी की टोटल यूनिट्स रिक्वायर्ड 2000 है. यूनिट्स ऑलरेडी इन इन्वेंट्री 1400 है. बुक वैल्यू 10, रियलाइजेबल वैल्यू 9 एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट 14. देन टोटल यूनिट्स रिक्वायर्ड किसकी? डी की 500 है. यूनिट्स इन इन्वेंट्री 500, बुक वैल्यू 9, रियलाइजेबल वैल्यू 12 और रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है? 15 है. राइट, अब आप आगे पढ़ते हैं. Material B is used regularly in production of all types of dyes that Color Paints produces. Therefore, any stock used towards this job order would need to be replaced to meet other production demands. मतलब क्या? जो material B है वो regularly production में use होता है हर तरह की dye के. Right? ये Color Paints जो है उसमें बहुत सारी तरह की dye बनती है और जो material B है बहुत सारी तरह की dye में use होता है. और जो भी stock किसी भी job में use होगा वो replace होगा. क्यों रिप्लेस होगा? क्योंकि वो रेगुलरली यूज होता है हर प्रकार की डाई में. राइट, तो इसका जब हम रेलेवेंट कॉस्ट लेंगे तो वो क्या लेंगे? बी के बारे में यही इंफॉर्मेशन है तो बी का रेलेवेंट कॉस्ट क्या लेंगे? ₹10 पर यूनिट. क्यों लेंगे? रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेंगे. बी का रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगा? रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगा ₹10 पर यूनिट. क्यों? क्योंकि वो रेगुलरली यूज होता है और जो भी यूज हुआ वो रिप्लेस करना पड़ता है. तो ऑफकोर्स हम क्या लेंगे? रिप्लेसमेंट कॉस्ट. रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है? जिस कॉस्ट पे आज हम रिप्लेस कर पाएंगे उस प्रोडक्ट को, मतलब आज हम मार्केट से खरीद पाएंगे उस प्रोडक्ट को. राइट, रिप्लेस करना मतलब क्या? यूज किया तो रिप्लेस कैसे करेंगे? मार्केट से खरीद लेंगे. राइट, तो जिस प्राइस पे आज खरीद पाएंगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट. राइट, नाउ इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल सी एंड डी आर फ्रॉम स्टॉक दैट वॉज परचेस्ड इन एक्सेस प्रीवियसली. मटेरियल सी और डी का स्टॉक एक्सेस में खरीद लिया था पहले. राइट, मटेरियल सी हैज नो अदर यूज अदर देन फॉर दिस स्पेशल ऑर्डर. मटेरियल सी का कोई भी और यूज नहीं है ये जो स्पेशल ऑर्डर है उसके अलावा. ये जो हमको ऑर्डर मिला हुआ है उसके अलावा कोई भी अदर यूज नहीं है. तो मटेरियल सी की फिर रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? राइट, मटेरियल सी की रेलेवेंट कॉस्ट ये होगी कि देखिए 2000 यूनिट्स चाहिए आपको, उसमें से 1400 ऑलरेडी कहाँ था? इन्वेंट्री में था. और कितनी और चाहिए? 600 और चाहिए. ठीक है, तो जो 1400 इन्वेंट्री में थी अगर वो यहाँ यूज नहीं होती, ठीक है, ये स्पेशल ऑर्डर समझो हमको नहीं मिलता और यहाँ यूज नहीं होती तो क्या करते? उसको बेचते. रियलाइजेबल वैल्यू क्या है? जो बेचने पे हमको वैल्यू मिलेगी उसको बेचते 1400 यूनिट्स को. तो 1400 यूनिट की तो रिलेवेंट कॉस्ट है ₹9 और बाकी जो 600 है, बाकी 600 का क्या करेंगे? उसको ऑफ कोर्स हम क्या करेंगे? खरीदेंगे, क्योंकि 2000 चाहिए, 1400 ऑलरेडी है और कोई और काम की नहीं है, उसको बेच देते अगर ये ऑर्डर नहीं आता. और बाकी 600 को खरीदना पड़ेगा, यानी रिप्लेसमेंट कॉस्ट ₹14. ठीक है, नाउ आगे हम देखते हैं डी के बारे में. मटेरियल डी कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर 700 यूनिट्स ऑफ मटेरियल जेड व्हिच करंटली कॉस्ट ₹11 पर यूनिट. द कंपनी डज नॉट हैव एनी इन्वेंटरी ऑफ मटेरियल जेड करंटली. मतलब क्या? जो मटेरियल डी है वो कहाँ यूज हो सकता है? सब्स्टिट्यूट, एज अ सब्स्टिट्यूट यूज हो सकता है ऑफ मटेरियल जेड. 700 यूनिट्स ऑफ मटेरियल जेड में यूज हो सकता है क्या? मटेरियल डी. और अभी मटेरियल जेड की कोई भी इन्वेंट्री कंपनी के पास नहीं है. राइट, तो 700 ऑफ मटेरियल जेड की जगह क्या यूज हो सकता है? मटेरियल डी यूज हो सकता है. राइट, और कोई दूसरा तरीका है क्या उसका कि आप उसको 700
सेल कर देंगे अगर ये स्पेशल ऑर्डर नहीं आता, ठीक है। अगर ये स्पेशल ऑर्डर नहीं आता तो हम क्या करते हैं, वो रखा ही है एक्सेस में प्रीवियसली, परचेज्ड इन एक्सेस प्रीवियसली रखा ही हुआ है, तो उसको बेच देते, यानी 500 × 12, 500 यूनिट्स को 12 रुपीस के हिसाब से बेच देते। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि 700 यूनिट्स ऑफ मटेरियल जेड की जगह यूज होगी ये 500 यूनिट्स, ठीक है। 700 यूनिट्स ऑफ जेड कितने रुपए की एक यूनिट, 11 रुपीस की, यानी 700 × 11 की जगह यूज होगी ये 500 यूनिट्स। यानी अगर ये स्पेशल ऑर्डर नहीं आता तो दो चीज कर सकते थे, या बेच सकते थे, या फिर 11 रुपए के हिसाब से 700 यूनिट मटेरियल जेड की वहां यूज कर सकते थे ये 500 यूनिट्स। तो जहां ज्यादा कॉस्ट होगी, मतलब ऑफ कोर्स अगर बेचने से ज्यादा पैसा मिलेगा, यानी 12 रुपीस के हिसाब से जब 500 यूनिट्स बेचेंगे तो कितना रुपए मिल रहा है, 600 रुपीस मिल रहा है, और इसकी जगह यूज करना 700 यूनिट्स ऑफ जेड 11 रुपीस के हिसाब से, यानी 700 × 11 इज इक्वल टू, देखिए अगर हम यहाँ यूज नहीं करते 700 यूनिट्स की जगह तो ये हम खरीदते, 700 यूनिट्स हमको खरीदने पड़ती 11 रुपए के हिसाब से, तो इतना रुपए जाता, ठीक है, 7700 रुपीस जाता, और यहाँ पे अगर बेचेंगे तो कितना रुपीस मिलेगा, 6000। बेसिकली हम कहाँ यूज करेंगे, जेड के रिप्लेसमेंट में, क्योंकि यहाँ 6000 यहाँ 7700, तो फायदा कहाँ ज्यादा है, 7700, तो इसके रिलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, ठीक है, ये होगी 7700। बी सी और डी का देखिए, अब ए का देखते हैं। ए का क्या है कि ए की टोटल यूनिट्स रिक्वायर्ड है 2000 और इन्वेंट्री में कुछ भी नहीं है, ठीक है, बुक वैल्यू नहीं है, रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, आपको रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेनी पड़ेगी एज रेलेवेंट कॉस्ट। क्यों, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री में कुछ नहीं है और 2000 यूनिट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, खरीदेंगे, दैट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इनका टोटल करेंगे तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल का, इनका जब टोटल करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, टोटल ऑर्डर की कॉस्ट निकल जाएगी, राइट। सो बेसिकली हम यहाँ देखते हैं रुपीस पर्टिकुलर्स, पहले क्या लिखते हैं, मटेरियल ए के बारे में, मटेरियल ए के बारे में लिखते हैं, क्या लिखेंगे, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल ए इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट, दैट इज रुपीज 8 पर यूनिट, बिकॉज देयर आर नो देर आर नो यूनिट्स इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में कोई भी यूनिट्स नहीं है, इसीलिए क्या करना पड़ेगा, सारा का सारा आपको खरीदना पड़ेगा, तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सो फॉर कितनी यूनिट्स, 2000 यूनिट्स, 2000 × 8 कितना होगा, रुपीज 16000, राइट। ये मटेरियल ए का हो गया। अब मटेरियल बी, मटेरियल बी के बारे में क्या हमने डिस्कस किया कि मटेरियल बी जो है वो रेगुलरली यूज होता है इन ऑल टाइप्स ऑफ डाइज, इसीलिए इसके स्टॉक को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेंगे रुपीज 10 पर यूनिट, राइट। मटेरियल B is regularly used in production, hence it has to be replaced, hence relevant cost is replacement cost, That is रुपीज 10 पर यूनिट, ठीक है, रुपीज 10 पर यूनिट, और कितनी यूनिट्स है, बी की 3000 यूनिट्स है, सो फॉर 3000 यूनिट्स × 10 रुपीज 30000, राइट। नाउ नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्या है? मटेरियल सी. मटेरियल सी के बारे में क्या लिखा है कि वो ऑलरेडी स्टॉक में एक्सेस में ले लिया और उसका कोई भी दूसरा यूज नहीं है अगर ये स्पेशल ऑर्डर में वो यूज नहीं हुआ, तो उसका रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगा? उसका रेलेवेंट कॉस्ट होगा रियलाइजेबल वैल्यू. क्यों? क्योंकि अगर ये ऑर्डर में यूज नहीं होता तो उसको बेचते ही. राइट. मटेरियल सी इज नॉट यूज्ड एल्सवेयर except this order. Right? 1400 units of C is in inventory. इन्वेंट्री में कितनी यूनिट्स है? 1400 यूनिट्स है. ये देखिए क्या लिखा है कि मटेरियल सी कहीं और यूज नहीं हो सकता और 1400 ऑलरेडी इन्वेंट्री में है, तो अगर वो यहाँ यूज नहीं होती तो बेच देते. तो 1400 के लिए तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? रियलाइजेबल वैल्यू. लेकिन बाकी 600 के लिए रेलेवेंट कॉस्ट होगी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, क्योंकि वो तो आपको खरीदनी ही पड़ती. सो बेसिकली मटेरियल सी इज नॉट यूज एल्सवेयर एक्सेप्ट दिस ऑर्डर. 1400 यूनिट्स ऑफ सी इज इन इन्वेंट्री, हेंस इट्स रिलेवेंट कॉस्ट इज रियलाइजेबल वैल्यू. क्यों? क्योंकि वो वैसे भी कहीं यूज नहीं हो रही थी. दैट इज रुपीज कितना? रियलाइजेबल वैल्यू कितनी? रुपीज 9 आई गेस. Rupees 9, yes, right? For 1400 units, 1400 into 9 is equal to rupees 12,600, and 600 units out of 2000 units has to be purchased. इसको खरीदना पड़ेगा जो 600 units है. Hence, its relevant cost is replacement cost. Right? That is rupees 14 per unit. For 600 units, कितना होगा? 600 into 14 is equal to 8,400. तो टोटल क्या हो जाएगा? 12,600 प्लस 8,400. 21,000. रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो गई? 21,000. नाउ मटेरियल डी. मटेरियल डी का क्या है कि अगर मटेरियल डी यहाँ यूज नहीं होगा, ये जो ऑर्डर में यूज नहीं होगा, तो वो एज अ रिप्लेसमेंट यूज होगा मटेरियल जेड की जगह. 700 यूनिट्स ऑफ मटेरियल जेड की तरह यूज होगा. राइट. और अगर वहां पे यूज नहीं होता है मटेरियल जेड के 700 यूनिट्स की जगह, तो मटेरियल जेड खरीदना पड़ेगा 11 रुपीज पर यूनिट में. सो बेसिकली उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 7,700. यहाँ यूज नहीं होगा तो 7,700 की जगह यूज होगा. या दूसरा क्या कि या फिर उसको बेच देंगे 12 रुपए के हिसाब से, तो 6,000. विच एवर इज हायर. क्यों? जहां ज्यादा फायदा हो. ठीक है, हम तो वही चीज करेंगे ना जहां मॉनिटरीली हमको ज्यादा फायदा हो, तो वो क्या हो जाएगी? उसकी रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी. मटेरियल इफ दिस ऑर्डर इज नॉट एक्सेप्टेड, डी कैन हैव टू ऑप्शंस, दोज आर इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. कौन सी दो? पहला, सेल एट द रेट रुपीज 12 पर यूनिट. तो 500 इंटू 12 इज इक्वल टू रुपीज 6,000. दूसरा, यूज इन प्लेस ऑफ मटेरियल जेड. सो 700 यूनिट्स इंटू 11
₹7,700, whichever is higher, जहाँ ज़्यादा फ़ायदा हो, कहाँ ज़्यादा फ़ायदा है, 7,700, so total relevant cost कितनी हुई, 7,700 plus ये D की है 7,700, right? Now C की कितनी है 21,000, right? B की 30,000 और A की 16,000. तो total relevant cost कितनी हो गई 74,700, right? आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था? आपको क्वेश्चन में पूछा था एनालाइज रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल. आपने चारों का रेलेवेंट कॉस्ट एनालाइज किया व्हाइल डिसाइडिंग वेदर टू एक्सेप्ट द ऑर्डर और नॉट. बेसिकली आपको चारों के रेलेवेंट कॉस्ट एनालाइज करने थे, आपने कर लिए. टोटल रेलेवेंट कॉस्ट निकाल लिया पूरे ऑर्डर का 74,700, राइट? टोटल रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ ऑर्डर टोटल रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ ऑर्डर इज ₹74,700. दिस इज इट, राइट? इजी है.